और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज का छठा रोज जारी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का निजाम मुअत्तल है, ताजिर को शदीद परेशानी का सामना है। बरामदी ऑर्डर वक्त पर कैसे पूरे करें, हुकूमत हड़ताल खत्म करवाए, ताजिरों का मुतालिबा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल छठे रोज में दाखिल हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में माल से लोड गाड़ियां ट्रक अड्डों और शाहराहों पर 6 दिन से खड़ी हैं। हड़ताल खत्म करवाने के लिए ताहाल विफाकी सतह पर एहतजाज करने वाले ट्रांसपोर्टर्स से राबिता नहीं किया गया है। शिपमेंट नहीं हो रही इस वक्त और तमाम पोर्ट्स के गेट बंद कर दिए गए। हर 2-3 साल बाद ये मसला होता है और कभी भी फेडरल गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं लेती और अरबों रुपए का नुकसान होगा और पाकिस्तान का इमेज खराब अलग होता है। कराची पोर्ट कासिम और कासिम पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग की सरगर्मियां मांद पड़ चुकी हैं। मकामी और मुल्की सनतों की तैयार करदा बरामदी मसनूआत की पोर्ट तक तरसीलात भी रोकी हुई है। मैंने मैन्युफैक्चर कर लिया, मैंने आगे बढ़ा दिया, इसके बाद अब पता चला कि ट्रक नहीं है कि वो पोर्ट पे पहुंच सके और मेरी जो है ना शिपमेंट बाय एयर हो गई। तो आपको पता है बाय एयर और इसके अंदर 10 टाइम्स का फर्क है फ्रेट के अंदर। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरवीन करे, जो इनके मामलात हैं फॉर गुड हल करे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। हुकूमत को वार्निंग दी गई है कि मसबत इकदामात करें वरना बंदरगाहों, कारखानों और ट्रक अड्डों से माल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी।